मतलब 6 आवर, तो इतना वो टाइम लेती है। ठीक है, तो ये मूव होता रहता है और वही जो है 6 आवर मिल करके 4 सालों में एक लीप ईयर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, चूंकि हम 365 डेज को ही काउंट करते हैं, तो वो जो 6 आवर हैं, 6 4 जा 24, तो उसको जो है हम काउंट करते हैं, तो वो जो है एक दिन बढ़ जाता है हर 4 साल पे, और जो ईयर होता है वो लीप ईयर हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब अर्थ का जो है रिवॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो वो मैंने पहले भी बताया, अब भी बता दूं कि अर्थ जो है या कोई भी प्लैनेट जब अपने स्टार के अराउंड मूव करता है और एक चक्कर पूरा कर लेता है, व्हेन इट कंप्लीट्स इट्स वन सर्कल इज नोन एज रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो है रिवॉल्यूशन हो गया। उसके बाद से इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन के क्या इफेक्ट हैं, मेजर 3 इफेक्ट्स यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट है चेंजिंग ऑफ सीजन्स, सीजन्स कैसे बदलते हैं, तो सीजन के बदलने में क्या क्या चीजें होती हैं, हम इसको थोड़ा बाद में देखेंगे। हम पहले देखेंगे वेरिंग सरफेस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ और वेयरिंग लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। ठीक है, क्योंकि जो सीजन चेंज होता है ये तो फिनोमेना आता ही है, लेकिन इसके साथ आता है क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ होती हैं। तो पहले हम देखेंगे कि टेम्परेचर को ये कैसे चेंज होता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ पोजीशंस बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। इसमें जैसे आप देखोगे तो क्या होगा कि ये अर्थ जो है मूव कर रही है। ठीक है, जो पोल्स हैं, पोल कहाँ पे हैं, ये यहाँ पे पोल्स हैं। ठीक है, 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात वाला रीजन। ठीक, तो अब क्या है कि ये जब मूव करती है अर्थ, तो कभी क्या होता है कि जो सन रेज हैं वो परपेंडिकुलर पड़ती हैं इक्वेटर पे, और जब परपेंडिकुलर सन रेज पड़ती है इक्वेटर पे तो ये टाइम होता है इक्विनॉक्स का। ठीक है, ये होता है इक्विनॉक्स पोजीशन, और इक्विनॉक्स मतलब इक्वेटर पे 2 बार पड़ता है। ऐसा कैसे होता है वो मैं आपको बता दूं, तो एक बार सन रेज परपेंडिकुलर पड़ेंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, फिर इसके बाद से जब ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड शिफ्ट होंगी सनरेज, अर्थ मूव करते हुए जाएगी। ठीक है, ऐसे तो जब डाउनवर्ड शिफ्ट होंगी तो इक्वेटर बीच में आएगा, तो उस पे एक बार पड़ी, फिर ये जाएंगी कहाँ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। ठीक है, फिर वहाँ जो है परपेंडिकुलर जब पड़ लेंगी सनरेज, फिर उसके बाद से ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगी और फिर आएंगी पहले इक्वेटर पे, फिर उसके बाद से जाएंगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। ठीक है, तो ये जो परपेंडिकुलर सनरेज पड़ रही हैं, इनका मूवमेंट हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इन दोनों ट्रॉपिक्स के बीच जब ये मूव कर रही हैं, तो ऐसे में ये 2 बार क्रॉस करती हैं किसको, इक्वेटर को, और जब इक्वेटर को ये 2 बार क्रॉस करती हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे डे एंड नाइट आर इक्वल टाइम्स, तो यहाँ पर जो दिन और रात है वो इक्वल टाइम का होता है, और इसी वजह से इसको बोलते हैं इक्विनॉक्स। क्लियर, समझ लीजिएगा आप लोग कि ये जो इक्विनॉक्स हैं वो इसलिए होते हैं कि यहाँ पे डे और नाइट बराबर होता है, इसको विषुव भी कहते हैं, हिंदी में आप इसको विषुव कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए इक्विनॉक्स। इसके बाद से हम देखते हैं तो दो सोलिस्टिक्स हैं। ठीक है, एक विंटर और एक समर, तो ये समर और ये विंटर सोलिस्टिक्स। ठीक है, तो आप लोगों को समर सोलिस्टिक्स और ये विंटर,
विंटर सोलिस्टिक्स। तो ये दो सोलिस्टिक्स हैं और ये जो है पढ़ते हैं कब, एक गर्मियों के समय में 21 जून को और दूसरा जो है वो सर्दियों में 22 दिसंबर को। तो इस समय क्या होता है, गर्मियों में 21 जून को लंबा वाला दिन और 22 दिसंबर लंबी वाली रात, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं और इसके बाद से हम दूसरे पे आते हैं। हाँ, तो ये जो है दिन और रात का लंबा होना हो गया, कैसे कैसे, ठीक है। अब इस चीज़ को आप लोगों ने समझ लिया। अब हम आते हैं कि वेरिंग सरफेस टेम्परेचर। तो सरफेस टेम्परेचर वहीं पर मैक्स होगा, मैक्सिमम होगा जहाँ पे सनरेज परपेंडिकुलर पड़ेंगी, लंबवत पड़ेंगी, सीधी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि जब सीधी पड़ेंगी तो वहाँ पर सनरेज की संख्या ज़्यादा होगी, उनकी लेंथ सबसे कम होगी और इस वजह से वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफ़र सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए वो जो इलाका होगा वो सबसे ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है। और इसके बाद से जैसे सनरेज तिरछी पड़ेंगी, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा कि ग्रेजुअली जो है वो टेम्परेचर गिरता जाएगा, डाउन होता जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम देखेंगे कि पोल्स की तरफ जब बढ़ेंगे तो टेम्परेचर वो धीरे धीरे गिरता चला जाएगा और पोल्स पे बहुत ही मतलब डाउन टेम्परेचर आपको मिलेगा। एक चीज़ और इसमें आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि ये जो पोजीशंस देखा आपने, तो ऐसे में क्या है कि सनरेज यहाँ पे पड़ रही है लेकिन यहाँ इस पोल पे नहीं पड़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पड़ेंगी, यहाँ पे नहीं पड़ेंगी, ये चीज़ें यहाँ पे पड़ेंगी, यहाँ पे नहीं पड़ेंगी, लेकिन यहाँ आते ही, इस पोजीशन में आते ही क्या होगा कि यहाँ पे सनरेज पड़नी शुरू हो जाएंगी और यहाँ पे पड़नी बंद हो जाएंगी, यहाँ पे पड़नी बंद और यहाँ पे पड़ती रहेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें तब तक होंगी। तो इस तरीके से यही वजह है कि लोग कहते हैं कि पोल्स पे क्या होता है, 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, ठीक है। ये चीज़ आप अब समझ गए होंगे, अब इसमें जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसके बाद से हम बात कर लेते हैं चेंजिंग सीजन्स का, कि सीजन कैसे चेंज होता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करें या साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, तो दोनों ही हेमिस्फीयर में क्या होता है कि एक टाइम में जो है एक जो हेमिस्फीयर है वो जो है करीब होता है किसके, सन की तरफ उसका फेस होता है और वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्राप्त करता है, लेता है, ठीक है। और इस वजह से उस रीजन में जो है जो गर्मियों का मौसम, बारिश का मौसम, ये चीज़ें रहती हैं। और दूसरे पोजीशन में आते ही जो है अर्थ पे, चूँकि सनरेज तिरछी पड़ती हैं इसलिए जो है उनकी मात्रा कम हो जाती है, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे थोड़ी सी कूलिंग हो जाती है और इसलिए वहाँ पे सर्दियों का टाइम होता है, ठीक है। तो ये जो है सीजन्स हैं जो चेंज होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि गर्मियाँ पड़ती हैं, गर्मियों की वजह से क्या होता है कि आप देखोगे तो इवापोरेशन भारी मात्रा में, और इवापोरेशन के साथ ही जब वेपर ऊपर जाती है, कंडेंसेशन होता है और उसके बाद से बारिश होती है, बारिश के बाद तब तक मतलब जब चीज़ें जैसे आप देख रहे हो कि सन जो है वो शिफ्ट कर रहा है साउथवार्ड, ठीक है। तो जैसे ये चीज़ें होंगी तो वैसे ही क्या होगा कि ऊपर की तरफ मतलब जो हम लोगों का हेमिस्फीयर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो वहाँ पर सनरेज वो जो है आपको मिलेंगी तिरछी, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जब तिरछी रेज पड़ेंगी तो यहाँ टेम्परेचर डाउन होगा और टेम्परेचर डाउन होने के साथ साथ धीरे धीरे जो है यहाँ पे सर्दियों का मौसम आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ये पूरी परिघटना होती है और इसी वजह से जाड़ा, गर्मी, बरसात, ठीक है, ये सीजन्स हो पाते हैं। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कुछ टाइम आता है जैसे गर्मी और सर्दी के बीच का समय जो बसंत का समय होता है, ठीक है, ऐसे ही बरसात और इसके बीच सर्दियों के बीच का समय, तो वो भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। तो इसको एक अलग ऋतु कहते हैं, शायद शरद या हेमंत बोलते हैं, शरद ऋतु ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं ऐसे ऐसे मतलब डिफाइन किया गया, खास तौर से इंडियन जो हम सीजन्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी आपको, लेकिन जियोग्राफी में ये चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। इंडिया में जो है ये चीज़ें फील की जाती हैं क्योंकि इंडिया में 6 ऋतुएँ पाई जाती हैं, ग्रीष्म,
वर्षा, शरद, हेमंत, शीत और शिशिर, ठीक है। तो इस तरीके की जो है वो ऋतुएं हैं अपने वहाँ, तो इनको लोग जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। अब इसके बाद से हम देखते हैं अगली पॉइंट्स को।